हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहली यूज़फुल टिप। दोस्तों, जब हम बाज़ार से धनिया ले आते हैं तो ये बहुत ही जल्दी गलने और सूखने लग जाता है। धनिए को लंबे समय तक हरा भरा रखने के लिए आज मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। आपको ले लेना है एक कप में पानी, तो पानी आपको आधा ही रखना है और धनिए की पत्ती को इस कप में डाल देना है। ध्यान रखना है कि धनिए की जड़ पानी में पूरी तरह से डूबी होनी चाहिए। इस तरह से धनिए को आपको कप में रख देना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर एक पॉलिथीन लगा देनी है। पॉलिथीन से धनिए की पत्ती को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब आप इसे बाहर रखिए या फिर फ्रिज में रखिए। धनिया आपकी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल हरी और ताज़ी बनी रहेगी। मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। पॉलिथीन लगाने की वजह से फ्रिज की जो ठंडी हवा है वो धनिए में नहीं लगेगी और आपकी धनिया 10 से 15 दिनों तक बिल्कुल हरी भरी और ताज़ी बनी रहेगी। आप एक बार इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी टिप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों, कैसरोल में जब हम रोटी रखते हैं तो रोटी रखते रखते इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। इसे हम कितना भी धोएं मगर इसकी स्मेल जाती नहीं है। तो इसकी स्मेल को दूर करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। आपको ले लेना है माचिस और माचिस की तिल्ली को जलाकर हमें इस कैसरोल में रख देना है और कैसरोल का ढक्कन बंद कर देना है। बंद करने पर माचिस तो बुझ ही जाएगा, लेकिन जो तिल्ली का धुआं है वो कैसरोल में भर जाएगा, जिसकी वजह से कैसरोल में जो भी स्मेल आ रही है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो इसे आपको 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट के बाद आप तिल्ली को निकाल दीजिए। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। कैसरोल में से जो भी स्मेल आ रही थी रोटी की, सब्जी की, वो सारी रिमूव हो जाएगी और आपका कैसरोल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी यूज़फुल टिप। दूसरी टिप है दोस्तों प्रेस को क्लीन करने को लेकर। देखिए प्रेस मेरा कितना ज़्यादा गंदा हो गया है। तो प्रेस को हम पानी से तो साफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक सामान को हमें पानी से साफ़ नहीं करना चाहिए। पानी से साफ़ करने पर इलेक्ट्रिक सामान ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए आप ले लीजिए कोई भी एक्सपायरी परफ्यूम और इस परफ्यूम को आपको एक नैपकिन पर लगा देना है और थोड़ा सा परफ्यूम आपको प्रेस पर लगा देना है। इससे जब आप अपनी प्रेस को साफ़ करेंगे तो प्रेस आपके मिनटों में साफ़ हो जाएगी। अब आप नैपकिन को ले लीजिए और प्रेस को क्लीन करिए। देखिए प्रेस कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो जा रहा है। इस पर जो भी गंदगी थी वो मिनटों में साफ़ हो जाएगी। ना तो पानी लगाने की ज़रूरत है, ना ही कोलगेट लगाने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत है। मिनटों में परफ्यूम की मदद से प्रेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। देखिए ये प्रेस कितनी ज़्यादा गंदी थी और मिनटों में ये साफ़ हो गई है। तो जब भी आपको प्रेस को साफ़ करना हो हल्का सा परफ्यूम लीजिए और उससे प्रेस को क्लीन कर लीजिए। परफ्यूम की मदद से प्रेस आपकी बिल्कुल चमकने लगेगी। अब आप इसे सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। प्रेस आपकी देखिए कितनी क्लीन हो गई है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों, जब हम नई शर्ट ले आते हैं तो इसके बटन इतने टाइट होते हैं कि आसानी से बंद नहीं होते हैं। इसको बंद करने में हमारे नाखूनों में दर्द होने लगता है, क्योंकि इसका कज भी काफ़ी टाइट होता है, तो इसे बंद करना आसान नहीं होता है। तो इसे बंद करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे ये बटन बहुत ही आसानी से बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ले लेना है नहाने वाला साबुन। जो भी आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस साबुन को आप ले लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। अब इस साबुन को आप बटन के किनारे किनारे लगा दीजिए। देखिए इस तरह से आपको बटन के किनारे किनारे साबुन को लगा देना है। आपको लग रहा होगा
कि साबुन से शर्ट गंदी हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता है। शर्ट गंदी नहीं होती है, बस आप इसे बटन पर लगा दीजिए। बटन पर लगाने से बटन बिल्कुल चिकना हो जाता है। अब आप इसे जब बंद करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बंद हो जाएगा। सारे बटन में आपको साबुन को लगा देना है। अब जब आप शर्ट के बटन को बंद करेंगी तो ये बहुत ही आसानी से बंद हो जाएगा, क्योंकि बटन बिल्कुल चिकना हो चुका है। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। देखिए कितनी आसानी से बटन बंद हो गया है। इसी तरह से जींस की जो बटन होती है वो भी काफ़ी टाइट होती है, ये भी आसानी से बंद नहीं होता है। जब इसे बंद करने लगते हैं तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। देखिए इस जींस में 4 बटन लगी हुई है, इसे बंद करना और भी टिपिकल है। तो जब भी आपको जींस को वेयर करना हो, उससे पहले आप नहाने वाले साबुन को बटन के ऊपर रब कर दीजिए। देखिए इस तरह से आपको रब कर देना है। बटन के चारों तरफ आपको साबुन को अच्छी तरह से लगा देना है, जिससे बटन पर एक कोटिंग हो जाए। अब आपका बटन बिल्कुल स्लिप करने लगेगा। अब आप इसे आसानी से बंद कर सकेंगे। साबुन को लगाने के बाद अब आप बटन को बंद करिए। देखिए बटन कितनी जल्दी स्लिप कर रहा है और ये आसानी से बंद हो जा रहा है। तो कैसी लगी आपको बटन और साबुन की टिप, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी टिप। दूसरी टिप है दोस्तों बेल्ट को ऑर्गेनाइज करने को लेकर। जब हम बेल्ट को रखते हैं तो इसे ऐसे ही खुला छोड़कर रख देते हैं, जो कि स्पेस भी ज़्यादा लेता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो पहले आपको बेल्ट को रोल कर लेना है। देखिए इस तरह से आप रोल कर लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए कोई भी पुराना सॉक्स जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं या फिर जिसका एक पैर गायब हो गया है, उस सॉक्स में आप बेल्ट को डाल दीजिए। अगर एक बेल्ट है तो आप एक बेल्ट डालिए, अगर दो है तो आप दो भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि सॉक्स थोड़ा बड़ा है। तो मैंने इसमें एक बेल्ट डाला हुआ है और जो एक्स्ट्रा सॉक्स है उसे मैं पलट कर इसे अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। इस तरह से कवर करने पर बेल्ट इधर उधर नहीं गिरता है। अब आप इसे कैसे भी रख सकते हैं, आप इसे कितना भी इधर उधर फेंकेंगे ये बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है, और बेल्ट भी आपका अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होकर रखा रहेगा। आप चाहें तो इसे अलमीरा में, बैग में, कहीं पर भी रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दूसरी टिप है दोस्तों डायरी को लेकर। हमारे पास इस तरह की डायरी होती है, तो हम इसमें पेन से लिखते हैं, उसके बाद फिर पेन को हम डायरी में रखकर बंद कर देते हैं। और जब हम डायरी को इधर उधर रखते हैं तो पेन सरककर इधर उधर गिर जाती है, जिसकी वजह से जब हम पेन ढूंढने जाते हैं तो पेन हमें नहीं मिलती है। तो उसके लिए आप क्या करिए, पेन को डायरी में जो रिंग लगी हुई है वहाँ पर डाल दीजिए। इससे पेन आपका बिल्कुल सेफ रहेगा और जब भी आपको पेन की ज़रूरत होगी तुरंत ही मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी टिप, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो में से कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।